टेक्निकल प्रोग्रेस बेसिकली तीन तरह की होती है, एक न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस है, एक लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है, एक कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस है। अगर आप लोग भी मेरी तरह रोज रोज इकोनॉमिक्स के क्विजेस और असाइनमेंट से परेशान है तो इकोनॉमिक्स पोर्टल को जरूर ज्वाइन करें। तो ये जिस वक्त आपके मुल्क में टेक्निकल प्रोग्रेस होती है, इसको ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको समझने के दो तरीके हैं। देखें, आपके मुल्क में जब भी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगी तो इसका एक तो ये फायदा होगा कि आप अपनी जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो पहले से कम अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल उसकी मदद से प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, यानी कि आपकी लेबर और कैपिटल ये दोनों सेव होना शुरू हो जाएंगे। आउटपुट उतनी ही है, आपकी इनपुट पहले से कम लग रही है, एक तो ये इसकी सूरत हाल हो सकती है। दूसरा ये कंडीशन है, अगर आपने लेबर और कैपिटल की अमाउंट उतनी ही रखनी है तो फिर आपकी आउटपुट पहले से ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अगर फर्ज करें 10 यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल की मदद से आप एक्स के 100 यूनिट तैयार कर रहे हैं, तो अब उसी 10 यूनिट लेबर और कैपिटल की मदद से आपकी आउटपुट 100 से इंक्रीज करके 200 पे पहुंच जाएगी। अब ये 200 पे क्यों पहुंची है, क्योंकि टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई है आपके मुल्क में, कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, मैनुअल सिस्टम से हटके आपके पास कंप्यूटराइज्ड कोई टेक्नोलॉजी आ गई है, वो बेशक लेबर सेविंग हो, बेशक कैपिटल सेविंग हो, बेशक न्यूट्रल हो। ठीक है, इसको सबसे पहले तो पीपीसी की मदद से मैं आपको बता देता हूं डायग्राम में कैसे दिखाएंगे। ये देखिए, मेरे पास न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की डायग्राम बनी हुई है मेरे पास, और ये देखें पीपीसी, ये नेशन वन का पीपीसी की शेप देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए ये नेशन वन का है, क्योंकि नेशन वन हम अज्यूम करके बैठे हुए हैं कि वो लेबर अबंडेंट नेशन है। अपने रिसोर्सेज अगर एक्स कमोडिटी में लगाएगा तो एक्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी, वाई में लगाएगा तो वाई की प्रोडक्शन कम होगी। तो ये पीपीसी आ गया, अपने तमाम तर रिसोर्सेज नेशन वन अगर वाई में लगाए तो वो 70 यूनिट वाई के प्रोड्यूस करता है, एक्स में लगाए तो 140 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस करता है। यहां पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि इस मुल्क में न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई है। तो जब न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई है तो इसके दो तरह के इम्पैक्ट हो सकते हैं, वो तमाम का तमाम तर बेनिफिट अपनी इस एक्स कमोडिटी में लगाएगा या वाई कमोडिटी में लगाएगा। अगर तो एक्स कमोडिटी में लगाएगा तो इधर से पीपीसी उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहां से स्टार्ट होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, और यहां से ये मजीद फ्लैटर होता होता एक्स की प्रोडक्शन को डबल कर देगा। एक्स की प्रोडक्शन आपकी डबल होगी, पहले 140 यूनिट आप बना रहे थे एक्स के, वाई के 70 बना रहे थे। आफ्टर न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस वाई तो 70 पे रहा लेकिन एक्स आपका 280 पे जा पहुंचा, एक कंडीशन भी होगी। दूसरा, आप अपना तमाम तर एज वाई इंडस्ट्री को देना चाहते हैं तो एक्स जो 140 था वो 140 ही रहेगा लेकिन वाई की आउटपुट डबल हो जाएगी, y पहले 70 था तो y 140 पे आ जाएगा। ये हो गई न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की कहानी। और अगर पीपीसी की मदद से आपने लेबर सेविंग और कैपिटल सेविंग दिखानी हो डायग्राम, तो वो थोड़ा सा टेक्निकल काम है, उसमें डायमेंशन वगैरह वो चेंज करनी पड़ती हैं, वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है ग्राफिकली उसको दिखाना। तो एक इसका और एंगल है, वो लेबर और कैपिटल की मदद से आप न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस को कैसे दिखा सकते हैं, वो ये डायग्राम है जी। ये देखिए, इस तरफ मैंने लेबर मेजर की हुई है, इस तरफ मैंने कैपिटल मेजर किया हुआ है। और लेबर फर्ज कर लेते हैं कि 8 यूनिट ऑफ लेबर और 8 यूनिट ऑफ कैपिटल, ये आप लगा के कम्बिनेशन ए पे प्रोडक्शन कर रहे हैं जहाँ पे 100 यूनिट एक्स के आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेबर कैपिटल रेशियो वो 1 की है, 8 लेबर की 8 कैपिटल की, 8 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1, तो के ओवर एल इक्वल टू 1 आ गया। 100 की आप आउटपुट दे रहे हैं 8 लेबर और 8 कैपिटल लगा के। अब क्या हुआ जी, न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई है। न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस में वही जो आप 100 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस कर रहे थे 8 इनपुट लगा के, अब आप 4 यूनिट लेबर और 4 यूनिट कैपिटल के लगा के वही 100 यूनिट आउटपुट के प्रोड्यूस कर रहे हैं।
ठीक है, रेशियो सेम रहे, रेशियो अभी भी के ओवर एल वो वन है क्योंकि 4 / 4 = 1, ये कहानी न्यूट्रल टेक्निकल प्रोग्रेस की होगी। अब इसके बाद एक पॉसिबिलिटी लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस की है। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है, वो आपके मुल्क में लेबर को ज्यादा सेव कर देती है टेक्नोलॉजी। असल में लेबर और कैपिटल ये दोनों ही कम अमाउंट में लगेंगे, लेकिन लेबर की क्वांटिटी आप ज्यादा कम कर देते हैं इन रिस्पॉन्स टू कैपिटल। ठीक, यहाँ पे इसको डायग्राम की मदद से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये बिफोर टेक्निकल प्रोग्रेस, ये वही ए पॉइंट है जहाँ पे के ओवर एल की रेशियो 1 है। 8 यूनिट लेबर और 8 कैपिटल के लगा के आप 100 यूनिट एक्स के प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब क्या हुआ जी, इस मुल्क में लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस हो गई है। लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस के नतीजे में आप वही 100 यूनिट विद द हेल्प ऑफ 6 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 2 यूनिट ऑफ लेबर वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखें, कैपिटल की इनपुट भी कम हो गई, पहले 8 आप यूनिट लगा रहे थे कैपिटल के, अब 8 से कम करके आपने 6 कर दिए हैं, और लेबर के भी आप 8 लगा रहे थे, लेबर में बहुत ज्यादा कमी आई है, अब लेबर के सिर्फ 2 यूनिट लगा रहे हैं। तो सेविंग तो लेबर और कैपिटल दोनों में हुई, लेकिन लेबर में आपकी ज्यादा सेविंग है, इस वजह से इसे लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस कहते हैं। और यही 100 यूनिट अब पैदा हो रहे हैं, के ओवर एल रेशियो 3 है। ठीक है, 3/1 या इक्वल टू 3, ये कहानी हो गई लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस की। इसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी आ जाती है कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस, तो वो लेबर सेविंग के ऑपोजिट केस है। इसमें आप लेबर और कैपिटल दोनों की अमाउंट सेव करेंगे, लेकिन कैपिटल वो ज्यादा उसके यूनिट आप कम कर देंगे इन रिस्पॉन्स टू लेबर। तो ये इसकी डायग्राम है। ये ए पॉइंट वही आपका ट्रेडिशनल पॉइंट है बिफोर टेक्निकल प्रोग्रेस, आप 8 यूनिट कैपिटल और 8 लेबर की मदद से 100 यूनिट एक्स का प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आप अज्यूम कर लेंगे आपके मुल्क में कैपिटल सेविंग टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस हो गई है, जिसकी वजह से आप बी पॉइंट पे चले गए। अब बी पॉइंट पे वही 100 यूनिट आप विद द हेल्प ऑफ जस्ट 2 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 6 यूनिट ऑफ लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो लेबर भी कम हुई, 8 से कम होकर 6 पे आ गई है, कैपिटल भी कम हुआ, वो 8 से कम होकर 2 पे आ गया। तो कैपिटल में बहुत ज्यादा कमी आई, इस वजह से इसे कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस कहते हैं। तो लेबर कैपिटल या कैपिटल लेबर रेशो वो यहाँ पे आपकी 1/3 हो गई है। तो ये सिनेरियो है लेबर सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस का, कैपिटल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस का, या न्यूट्रल सेविंग टेक्निकल प्रोग्रेस का। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, डायग्राम भी अच्छे से आपने समझ ली होगी। नोट्स हमारे अवेलेबल हैं, किसी को चाहिए वो रब्ता कर सकता है। ऑनलाइन क्लासेस हमारी कंटिन्यू हैं, वो किसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत हो तो वो रब्ता कर सकता है। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।